बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास ट्वेल्थ में हम लोग आगे के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर बच्चों, कैंसर आज के परिवेश में पूरे भारतवर्ष में इससे लगभग 10 लाख से अधिक लोग पीड़ित हो गए, और जितने पीड़ित हैं उससे अधिक कहें इससे उनकी मृत्यु होती रहती है। ये कैंसर है क्या? अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ। किसी भी कोशिका के विभाजन के लिए एक कंट्रोल लिंग जीन होते हैं जो उसके कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। वो गुण कोशा का समाप्त हो जाता है, जैसे कैंसर, कैंसर सेल्स डिवाइड एंड री डिवाइड, ये विभाजित होती है और पुनः विभाजित होती है फॉर ए ग्रुप ऑफ सेल्स, और कोशिकाओं का समूह बना लेती है। कैंसर सेल जो होती है विभाजित होकर के, पुनः विभाजित होकर के कोशिकाओं का समूह बना लेती है, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्यूमर। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? ट्यूमर कहते हैं। इसकी परिभाषा ट्यूमर की, अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ इज नोन एज ट्यूमर। असीमित ऊतक वृद्धि, असीमित ऊतक वृद्धि ही ट्यूमर है। अब ट्यूमर के प्रकार, टाइप ऑफ ट्यूमर, संरचना और कार्य की दृष्टि से, कंडीशंस की दृष्टि से ये दो प्रकार की होती है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर बच्चों, बिनाइन ट्यूमर जो होती है ये नॉर्मल कंडीशन में होती है, सामान्य स्थिति की होती है, ये वेरी लेस डेंजरस, बहुत कम घातक होती है। इसमें होता क्या है, जो सेल्स ओरिजिनल पोजीशन में होती हैं, अपनी वास्तविक स्थिति में उस वहीं पर ये कैंसर क्षतिग्रस्त करती हैं, वहीं की सेल्स को क्षतिग्रस्त करती हैं, उसी सेल को क्षतिग्रस्त करती हैं, किसी अन्य कोशिकाओं को हानि नहीं पहुंचाती हैं। जबकि ये बच्चों दूसरा है मैलिगेंट ट्यूमर। दूसरा क्या है? मैलिगेंट ट्यूमर। ये मैलिगेंट ट्यूमर जो है बहुत ही घातक होता है। इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल, इसमें कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। दीज सेल्स जो है वेरी फास्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, ये कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं और एक ट्यूमर फॉर्म करती हैं। दीज ट्यूमर आर ट्रांसपोर्टेड, या स्थानांतरित होता है वन सेल टू अदर सेल। इस प्रकार मैलिगेंट ट्यूमर जो है एक कोशा से दूसरी कोशा में स्थानांतरित होता है, किसके द्वारा? बाय ब्लड, ऑर्गेन टू ऑर्गेन, रक्त के द्वारा अंग एक अंग से दूसरे अंग तक स्थानांतरित करता है। अर्थात ये सेल एक जगह जब विभाजित होकर ट्यूमर काज करती हैं, तो ये दूसरी कोशाओं पर भी अटैक करके उनको भी क्षतिग्रस्त करने का कार्य करती हैं। जब बच्चों ये ट्यूमर, मैलिगेंट ट्यूमर टूटते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ मैलिगेंट ट्यूमर, इस तरह के ट्यूमर जब टूटते हैं और टूट करके रक्त में मिलते हैं, और रक्त के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न अंगों, भिन्न भिन्न कोशिकाओं, भिन्न भिन्न उत्तकों तक पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर एक कैंसर काज करते हैं, ट्यूमर काज करते हैं, वहां की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं, और इस प्रक्रिया को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। और मैलिगेंट ट्यूमर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, लाक्षणिक गुण है मेटास्टेसिस। इसमें मेटास्टेसिस में होता क्या है कि मैलिगेंट ट्यूमर टूट टूट करके रक्त के माध्यम से
एक सेल से दूसरे सेल, एक अंग से दूसरे अंग तक भिन्न भिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंच जाते हैं और वहां जा करके उनको हानि पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये ट्यूमर के प्रकार रहे, बिनाइन ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वेरी लेस डेंजरस होता है, लेकिन दीज आर वेरी डेंजरस, ये बहुत अधिक घातक होता है। इसके बाद हम लोग कैंसर सेल के बारे में चर्चा करेंगे आगे के क्रम में। हाँ बच्चों, अब हम लोग कैंसर कोशाओं के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर कोशाओं के क्या क्या गुण हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लाक्षणिक है, इसको देखें। कैंसर कोशिकाओं के गुण बच्चों, दीज सेल्स कॉन्टिन्यूस एंड फास्ट सेल डिवीजन, इन कोशाओं में लगातार नियमित और तेजी से कोश का विभाजन होती है। कैंसर सेल की पहली क्वालिटी है कि इन कोशिकाओं में लगातार और तीव्र गति से कोश का विभाजन होती है, अर्थात ये इंक्रीजिंग नंबर अपनी कोशिकाओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करती है। दूसरा है दीज सेल्स नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, नॉट रिक्वायर्ड एनी फैक्टर्स फॉर ग्रोथ, वृद्धि एंड सेल डिवीजन कोश का विभाजन के लिए। ये कैंसर सेल की कोशिकाएं जो है इनको किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं पड़ी, डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और कोश का विभाजन, वृद्धि और कोश का विभाजन, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, वृद्धि और कोश का विभाजन के लिए इन कोशाओं को किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप तेजी से वृद्धि करती हैं। दी सेल सेल डिवीजन इज अनकंट्रोल्ड, इन कोशाओं का कोशा विभाजन अनियंत्रित होता है, असीमित होता है, इसके सेल डिवीजन को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, ये बार बार डिवाइड होकर के इंक्रीजिंग और नंबर अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आर फाउंड इन कैंसर सेल, कैंसर कोशाओं में असीमित कोशा वृद्धि होती है, अनलिमिटेड। अगला है दीज सेल्स हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ, इन कोशाओं में अधिक मात्रा में लार्जर अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, मीलाइनिन, लाइसोसोम एंड फैट ड्रॉपलेट्स, इन कोशाओं में अधिक मात्रा में मीलाइनिन, जानते हैं एक रंगक है, त्वचा को रंग देता है, तो लार्जर अमाउंट में मीलाइनिन होता है, लाइसोसोम लायन का है जिसको सुसाइड बैग कहते हैं, अधिक मात्रा में लाइसोसोम होता है और फैट ड्रॉपलेट्स, और क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट बसा बिंदु पाए जाते हैं। तो ये रहा कैंसर सेल की लाक्षणिक। अगला है एक ट्यूमर सेल, यदि कैंसर सेल ट्यूमर अवस्था में हो गई है, अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ करके स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन कर ली है, संरचनात्मक रूपांतरण कर ली है बच्चों, तो ट्यूमर सेल ब्रेक टूटती है एंड टूटकर उसका टूटा हुआ भाग रक्त के माध्यम से रीच अदर सेल, दूसरी कोशाओं में पहुंचकर इंफेक्शन नहीं, संक्रमण नहीं, क्या ट्रांसपोर्टेशन उस ट्यूमर को वहां स्थानांतरित कर देता है, वहां की सेल को ट्यूबरियस बना देता है, इस अवस्था को मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस जानिएगा, इट इज ए फेनोमेना इन विच ट्यूमर सेल डिवाइड एंड ब्रेक स्मॉल सेगमेंट एंड दीज स्मॉल सेगमेंट रीचेज बाय द ब्लड अदर ऑर्गेन एंड ऑर्गेन इज ट्यूमराइज, वो अंग न्यू ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं। तो दिस फिनामिना इज नोन एज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस एक ऐसी घटना है जिसमें ट्यूमर कोशाएं टूटकर वो टूटे हुए खंड रक्त के माध्यम से अन्य ऊतक कोशिकाओं अंगों तक पहुंचकर नए ट्यूमर बनाने का कार्य करते हैं। अब रहा बच्चों टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार, कैंसर सेल की लाक्षणिक जान लिया, अब कैंसर के प्रकार पे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कैंसर को तीन भागों में बांटा गया है। सार्कोमा क्या है, सार्कोमा, दूसरा कार्सिनोमा,
और तीसरा ल्यूकेमिया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ा जाएगा सार्कोमा। क्या पढ़ा जाएगा? सार्कोमा। हाँ बच्चों, हम लोग कैंसर के प्रकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के कैंसर आपको बताया जा रहा है। पहला जो है सार्कोमा, दूसरा कार्सिनोमा और तीसरा ल्यूकेमिया। कैंसर मुख्य रूप से तीन ही प्रकार का होता है, सार्कोमा, कार्सिनोमा और ल्यूकेमिया। आइए चलते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तीनों प्रकार के। पहला है सार्कोमा। ये क्या है? सार्कोमा फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर है। इसकी ओरिजिन बच्चों उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है और मीजोडर्म के व्युत्पन्न डेराइव टिश्यू होते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे? मीजोडर्म सेल से। एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म पढ़े हैं ना, बाह्यस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा, मध्यस्थ त्वचा। तो इसमें मीजोडर्म से इसकी ओरिजिन जो है, सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर जो है ओरिजिनेटेड बाय द मीजोडर्म एंड देन डेराइव टिश्यू, और इससे व्युत्पन्न उत्तक उत्पन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि कार्टिलेज उपास्थि, बोन अस्थि, टेंडन जो है कनेक्शन बिटवीन बोन ट्यूमर से हड्डियों से अस्थियों का जुड़ना, एडिपोज टिश्यू वसामय उत्तक आदि से प्रभावित होते हैं। सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर से उपास्थि, अस्थि, टेंडन और वसा, एडिपोज टिश्यू वसामय उत्तक प्रभावित पड़ते हैं। अब इसमें विशेष रूप से देखिए लिम्फेटिक टिश्यू कैंसर। लिम्फेटिक लिम्फॉइड उत्तक में जब कैंसर होता है, लिम्फ लसिकाओं, लिम्फ ने लसिकाओं, लिम्फेटिक टिश्यू कैंसर। लसिकाव उत्तक कैंसर जब होता है तो इसको लिम्फोमा कहते हैं, लिम्फोमा कैंसर। लिम्फोमा स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर है जो लसिका लिम्फेटिक टिश्यू कैंसर कहलाता है, अर्थात लसिका में जब कैंसर हो जाता है तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। जब फैट टिश्यू कैंसर, बसा उत्तक कैंसर, फैट टिश्यू में बसा उत्तकों में कैंसर हो जाता है, फैट टिश्यू सेल्स कैंसीरियस जब हो जाती हैं, फैट सेल कैंसीरियस हो जाती हैं, तो उसको लिपोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोमा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर विच काजेज इन ऑलवेज फैट सेल कैंसीरियस। बसा मय उत्तक की कोशिकाएं कैंसीरियस होती हैं। और तीसरा बोन कैंसर, बोन अस्थि कैंसर जब होता है तो उस बोन की सेल्स जो है कैंसीरियस होती हैं, तो उसको ऑस्टियोमा कहते हैं, ऑस्टियोमाज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमा। तो इस तरह से सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर को तीन रूपों में, लिम्फेटिक टिश्यू कैंसर, फैट टिश्यू कैंसर और बोन कैंसर, लिम्फोमाज, लिपोमा और ऑस्टियोमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सार्कोमा, दूसरा टाइप कैंसर का है सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर। सार्कोमा किस प्रकार का कैंसर है बच्चों? दीज आर ग्लैंडुलर, ग्रंथिल, ग्रंथिमय, ये ग्रंथिमय ग्रंथिल उत्तकों में ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इपिथेलियल टिश्यू कैंसर। त्वची, इपिथेलियल सेल और ग्लैंडुलर सेल काज द कैंसीरियस कंडीशन। ये ग्लैंडुलर सेल और इपिथेलियल सेल जब कैंसीरियस होती हैं तो उसको कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर कहते हैं। जैसे आप देखते हैं माउथ, माउथ मुख गुहा, स्टमक आमाशय, लंग्स फेफड़े। तो मुख का कैंसर माउथ कैंसर, स्टमक पेट का कैंसर, लंग फेफड़े का कैंसर और यूट्रस, यूट्रस गर्भाशय का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर के एग्जाम्पल हैं। ये ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, कुछ में इपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो पहले ही बताया गया है कि सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर में ग्लैंडुलर एंड इपिथेलियल सेल आर काजेज कैंसीरियस कंडीशन, ग्रंथिलमय और त्वचीय कोशिकाएं कैंसर अवस्था को आ जाती हैं, जिससे मुख का कैंसर, नेक गले का कैंसर, स्टमक पेट का कैंसर, लंग फेफड़े का कैंसर, यूट्रस गर्भाशय का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर
हो जाते हैं बच्चों। तीसरा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये क्या है? आल्सो नोन एज लिम्फोमा, इसको लिम्फोमा के भी नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज लिम्फोमा। दिस टाइप ऑफ कैंसर इज फाउंड इन सेल, इन सेल उन कोशाओं में कैंसर पाए जाते हैं, फॉर्म ब्लड। ऐसी कोशाएं जो रक्त का निर्माण करती हैं, उन कोशाओं में ही ये इस प्रकार का ल्यूकेमिया टाइप ऑफ कैंसर पाया जाता है, अर्थात द सेल विच फॉर्म ब्लड आर कैंसरियस कंडीशन। ऐसी कोशाएं जो रक्त का निर्माण करती हैं, वो कैंसरियस हो जाती हैं। बच्चों दीज इन दिस कंडीशन इंक्रीज WBC टू नॉर्मल कंडीशन। इस अवस्था में जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्किल श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या सामान्य अवस्था से अधिक हो जाती है, सामान्य स्थिति से क्या होती है, अधिक संख्या हो जाती है, और दिस इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड कैंसर। इस तरह से हम लोग आज कैंसर के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किए। बच्चों वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें, वीडियो कई बार देखें, नोट्स तैयार करें। अगला काजेज ऑफ कैंसर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।